फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग अपनी ब्यूटी को जैसे भूल ही जाते हैं। अपनी त्वचा को, अपने बालों को अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखना, उनमें नमी बरकरार रखना हमें सर्दी की वजह से करना भूलना पड़ता है, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन आइए आज जानते हैं कुछ आसान से तरीकों के बारे में जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं और जो सर्दियों के मौसम में आपके लिए बेस्ट ब्यूटी टिप्स बन सकते हैं। टिप नंबर 1 है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का प्रयोग सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में और हर कोई करता है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में अपनी बॉडी के अंदर नमी बरकरार रखने के लिए आपको मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारी त्वचा काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है तो वो खिंची खिंची और अनहेल्दी दिखाई देती है। इसीलिए मॉइस्चराइजर का प्रयोग पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 बार करिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर नमी बरकरार रहेगी। टिप नंबर 2 है सनस्क्रीन का प्रयोग करना। धूप में निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। वैसे तो सर्दियों के मौसम में धूप का नामोनिशान काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप घर से बाहर स्टेप आउट कर रही हैं तो आपको सनस्क्रीन का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन का काम केवल धूप की किरणों से बचाना नहीं होता है, उसके काफी और कंटेंट भी होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को सुरक्षा देते हैं। टिप नंबर 3, सर्दियों के मौसम में सबसे बेहतरीन और सिंपल ट्रिक है पानी पीना, जो कि सब लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। सर्दियों के मौसम में पानी पीना हर किसी के लिए काफी जोखिम भरा काम होता है, इसीलिए आपको पानी पीने पर ज्यादा फोकस करना होगा। अपने पूरे दिन के अंदर पर्याप्त पानी की मात्रा पीजिए। ऐसा करने से बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होगी और फिर शायद आपको बार बार मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत भी ना पड़े। टिप नंबर 4, कई लड़कियों को फेशियल करवाने का बहुत शौक होता है, फिर चाहे वो सर्दी हो या हो गर्मी। लेकिन सर्दियों के मौसम में ऐसे फेशियल और स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से त्वचा पर छिलने का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। अगर आप फेशियल करवा रही हैं तो फ्रूट फेशियल का प्रयोग करिए, और अगर आप स्क्रब का प्रयोग कर रही हैं तो स्क्रब के लिए आप शहद का प्रयोग कर सकती हैं। चाहे तो शहद के अंदर ऑलिव ऑयल भी मिला सकती हैं। आप शहद के अंदर शक्कर ना मिलाएं, क्योंकि उसकी वजह से त्वचा छिलने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। सो दोस्तों, ये है आसान से तरीके सर्दियों के मौसम में ब्यूटी टिप्स को आसान बनाने के लिए, और ये आपकी काफी मदद भी कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।